हे गाइस, मैं हूं गौतम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि OnePlus का वॉप चार्ज 65 वॉट एक्चुअली में कितना टाइम लेता है फ़ोन को चार्ज करने में। तो मैं फ़ोन को चार्ज करूंगा तीन डिफरेंट सिनेरियोज में। पहले मैं फ़ोन चार्ज करूंगा एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से थोड़ी सी टफ सिचुएशन में, इसका मतलब कि मैं फ़ोन को चार्ज करूंगा थोड़े से डिफरेंट एनवायरनमेंट में। फ़ोन की बैटरी पूरी ड्रेन्ड होगी और रूम में जो फ़ैन है उसको मैं 2 की स्पीड पे ही चालू रखूंगा। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि रेगुलर यूज़ में हम ऐसे चार्ज नहीं करते, राइट? तो थोड़ा सा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होगा ये। दूसरे सिनेरियो में फ़ोन चार्ज करूंगा 1% से 100% तक फुल फैन स्पीड पे, और लास्ट सिनेरियो में फिर से फ़ोन को चार्ज करूंगा 1% से 100% तक, बट इस टाइम मैं ऑप्टिमाइज चार्जिंग को ऑफ कर दूंगा। तो गाइस, टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में कितना टाइम लगता है OnePlus 9 Pro को चार्ज करने में। रूम टेम्परेचर अराउंड 30-31 डिग्रीज ही रहेगा, जो थोड़ा सा हॉट है क्योंकि ऑलरेडी समर शुरू हो गई हैं। तो पहले टेस्ट में एक चीज़ नोटिस करी मैंने, और वो ये है कि एक बार बैटरी पूरी ड्रेन होने के बाद OnePlus 9 Pro थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है 0% तक आने में। ये मैंने 2-3 बार ट्राई किया था और सिमिलर रिजल्ट ही मिले मुझे हर बार। तो मैंने हर एक मिनट के बाद ट्राई किया फ़ोन ऑन करने का, बट अराउंड 4 मिनट के बाद जाके ही फ़ोन एक्चुअली 0% से चार्ज होना स्टार्ट हुआ था, और उसके 1 मिनट के बाद जो है मैंने फ़ोन को ऑन कर दिया था। 10 मिनट के बाद फ़ोन का टेम्परेचर था अराउंड 36 डिग्रीज और बैटरी चार्ज हुई थी 16%। 15 मिनट के बाद भी फ़ोन का टेम्परेचर था अराउंड 36 डिग्रीज बट बैटरी चार्ज हो गई थी 30%। तो आधे घंटे के बाद टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ के पहुंच गया था 38 डिग्रीज पे और बैटरी चार्ज हो गई थी 76%। और फाइनली बैटरी जो है पूरी चार्ज हो गई थी 43 मिनट्स में। एक स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एंड में आके फ़ोन का टेम्परेचर एकदम से बढ़ के 39 डिग्रीज हो गया था। एनीवेज, फ़ोन का टेम्परेचर फिर भी 40 डिग्री से नीचे ही मेंटेन था, विच इज़ ग्रेट। तो यहाँ पे अगर हम शुरू के 4 मिनट्स निकाल भी दें जो पूरा फ़ोन ड्रेन करने की वजह से एक्स्ट्रा लगे थे, तो भी टोटल चार्ज टाइम आता है अराउंड 39 मिनट्स, जो कि OnePlus के 29 मिनट्स के क्लेम से 10 मिनट्स ज़्यादा है। बट OnePlus क्लेम करता है 1% से 100%, तो इसलिए यहाँ पे अब हम ट्राई करेंगे सिनेरियो 2। दस मिनट के बाद बैटरी चार्ज हो गई थी 38% और फ़ोन का टेम्परेचर था 36.7 डिग्रीज। 15 मिनट के बाद ही बैटरी पहुंच गई थी 53% पे, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। टेम्परेचर अभी भी 36 डिग्रीज पे ही मेंटेन था, जो कि और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मुझे। 30 मिनट्स के बाद बैटरी चार्ज हो गई थी 95% और टेम्परेचर जो है पहुंच गया था 38.4 डिग्री, जो कि स्टिल कम ही है स्पीड के हिसाब से। और फाइनली 33 मिनट्स में फ़ोन पूरा चार्ज हो गया था, जो कि 4 मिनट ज़्यादा है OnePlus के क्लेम से, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। थर्ड सिनेरियो भी सेम ही है सेकंड सिनेरियो जैसा, बट इस बार मैंने ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो है वो कर दी है बंद। इस बार स्पीड थोड़ी कम देखने को मिली मुझे सिनेरियो 2 के कंपैरिजन में। 10 मिनट के बाद बैटरी चार्ज हुई थी 30%, 15 मिनट के बाद बैटरी चार्ज हुई थी 46% और बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हुई थी 35 मिनट्स में। मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैंने नोट किया था वो था 40.4 डिग्रीज, बट हाँ, इस दिन गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिला के इन सिनेरियो के बाद हमें ये पता चलता है कि जो OnePlus का क्लेम है वो एग्जैक्टली सेम तो डे टू डे यूज़ में नहीं मिलता है। तो सारे ही सिनेरियोज़ में जो है फ़ोन 29 मिनट्स में चार्ज नहीं हुआ है, तो जो क्लोजेस्ट टाइम हमें मिला है वो है 33 मिनट्स। अब आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कि 4 मिनट का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। लैब के टेस्ट में और रियल वर्ल्ड यूसेज में थोड़ा सा फ़र्क तो आता ही है। So that's pretty much it for the video. Thank you so much for watching. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।